ॐ जय जय नमो 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 हरिहन्ताणं नमो शिवचाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् ओंकार बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शुद्ध भाव अधिकार नियम उसके तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार अपने समूह के देवीदान कराया भी बताया बात भी करते हैं के विषय पारिणाम परम पारायण भाव जो अनादि से सिद्ध है और अनंतकाल शुद्ध ही रहने वाला है। अर्जुन चंद्र की यात्रा लिए सात तत्व के समूह से भेजा जाते हैं। 39 नंबर की यात्रा लिए इनसे भेजा कराया चार चीज परिणाम बंद मान अपमान के स्थान नहीं और उसका वेतन नहीं उदय नहीं तो वेतन भी नहीं। 40 चंद्र की गाथा में बंद के चार प्रकार ना आत्मा प्रकृति वाला हुआ है ना प्रदेश बंद है ना स्थिति बंद है ना अनुभाव बंद है तीन गाथा हुई। फिर 41 नंबर की गाथा में पांच भाव के भेदान पर है पांच भाव में भी एक भाव उपासना है पर चार भाव वाला आत्मा कभी हुआ औदयिक भाव वाला तो नहीं पर उसने कह दिया कि 40 भाव वाला भी आत्मा मैंने सबकी चिंता छोड़ दे है ना किसी की चिंता करने लायक नहीं कहा बैठता पाव में दिखा दिया आचार्य ने बैठता ली संबंधी गाथा हमने कल देखी थी ना कितने कितने विशेषण कितने चीजों से पहचान कराया 10 चीज कौन कौन सी गति वाला नहीं ग्रंथ लेके बैठा तो ही पता चलेगा गति वाला नहीं जन्म नहीं मरण नहीं रोग नहीं शोक नहीं जरा नहीं कूल नहीं योनि नहीं जीवन दान नहीं और मारना 10 चीजों से लेकर हाल आ रहे थे ये भी नहीं एक एक चीज बता रहे एक 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 आता रहे कुंज कुंज आता रहे गजब का उसका कुंज कुंज आता रहे देश का और गुरुदेव जी का गुरुदेव जी जैसे कुंज कुंज आचार्य देव के पेट में ही बैठ गए पूरा रहस्य खोल रहा आपके बताए हुए मार्ग पर हम भी चलेंगे आत्मा का विश्वास हम नहीं छोड़ेंगे ये ध्येय हो पाना और मोक्ष में जाना बड़ा भाग्य मानेंगे भगवान बनेंगे बड़ा भाग्य मानेंगे भगवान बने भगवान छू अरे भगवान खाओ। इसके बाद 9 चीजों से भेदान कराया निर्दंड नहीं निर्द्वेष नहीं निर्मम नहीं नी शरीर नहीं नी
आग नहीं, निर्मूल नहीं, निर्जला निर्भय नहीं और निरावलंबी नहीं, और लास्ट वाला कह दिया निर्दोष। एक चीज अब आगे जाते हैं 44 नंबर की का, इसमें भी किसी ने देखो तीन चीज होती। पहला निर्ग्रंथ नहीं, क्या कहा, मेरा स्वभाव, मेरा आत्मा, मेरा रूप परमात्मा, मेरा कारण परमात्मा। सरिता जी कैसा है पहला विशेष निर्ग्रंथ, कौन सी ग्रंथ की नहीं, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह से मेरा आत्मा कैसा है, निर्ग्रंथ है। दूसरा कहा, क्या कहा, निराग, निराग मने राधा जी भाव नहीं, आत्मा विकारी हुआ कि नहीं, पर्याय में है पर स्वभाव उसी समय कैसा है, निराग है। दूसरा, तीसरा निशल्य, शल्य तीन होते हैं ना, शल्य कौन कौन से, माया, मिथ्यात्व, माया और निदान, तीन शल्य से मेरा परिणाम भाव इंग्लैंडी कहना रही, ये तीन शल्य नहीं, हालांकि निदान निदान अपन बांध देते ना, निदान बंद भविष्य की कामना भाव करके परिणाम करके किसकी भाव लगाते हैं बोलो, किसकी इच्छा, स्वर्ग आदि किसी बाहर में अनुकूल सामग्री मिल जाए, बाहर में गर्म ये सुख भाव ले हमको बाहर में मान सम्मान मिल जाए, ऐसे निदान बंद जीव करता है। पर मेरे स्वभाव में ये तीनों नहीं, कौन कौन से, माया, मिथ्यात्व और निदान, तीनों नहीं। चौथा क्या बताया, जीव अमान नहीं माने निर्माण, अमान माने निर्माण, स्वभाव कैसा है, निर्माण। अज्ञानी को क्या आ जाता है, अभिमान मान आ जाता है, और ज्ञानी स्वभाव की वृत्ति है तो कितना भी प्रयोगक्षम ज्ञान हो, कितनी भी बार में क्रिया अच्छी हो तो भी ज्ञानियों को मान आता है, निर्माण। और फिर क्या कहा, सब दोष से रही माने कौन कौन से, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भव। फिर कहा निष्क्रोध, आत्मा कैसा स्वभावी, समाज स्वभाव, आत्मा में राग नहीं, आत्मा में क्रोध नहीं, समाज स्वभावी, इसलिए कैसा जैसिया जी, निष्क्रोध। फिर कहा निर्मद, मद नहीं है ना, आत्मा में क्या नहीं, मद नहीं, निर्मद। और लास्ट कह दिया आत्मा कैसा, निष्काम, कोई भी प्रकार की आत्मा में वांछा या कामना नहीं, क्योंकि स्वभाव तो निष्काम है पर ज्ञानी को पर्याय में भी कैसा है, निष्काम। पता चल गया कि पांच इंद्रियों के विषयों में कहीं से भी सुख नहीं, फिर क्या कामना करेंगे, है इंद्रियों के विषयों में आता है ना भक्ति में, बाहर सुख को खोज रहा है क्यों बनता दीवाना, आत्म ही सुख धाम की संग इसको भूल न जाना है, सारे दुखों का यह है ठिकाना, ढूंढने ठिकाना चेतन, ढूंढने ठिकाना। सुख तो नहीं बची कनिका भी पर द्रव्य में से मिलने वाली, अनादि काल से कहा सुख ढूंढ रहा है पर में, पूरा दिन कहते ना भाग दौड़ मची है, यहाँ से सुख मिल जाएगा, यहाँ से सुख, यहाँ से सुख,
कैसा जीवन है हा? कैसा जीवन जिए, साधना मई आराधना मई अनंत काल को आत्मा की विराजना में ये अनंत काल गया, अब विराजना नहीं, अब क्या करनी है, अब आराधना करनी। टोटल मर्जी की भाषा में कहे तो सब अवसर आ चुका, अब कितना काल जमाएंगे पर्व्य की इच्छा में। अगर सुख होता तो तब से क्या हो जाता, पर सुखी हो जाते ना, एक विषय से दूसरा विषय, एक दूसरा विषय से तीसरा, सुख है ही नहीं। आप सुख से लगा लग मेरा आत्मा जो इसके बाद की गाथा है 44, 45 और 46, दो गाथा का समूह, ये दो गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। कौन सी दो गाथा? 45 और 46, ये दो गाथा। दो गाथा में क्या कहा सुनना, पहले तो 45 नंबर की गाथा तब पाठ करेंगे छात्र। नहीं पाच रस आयु गंगर नारी भाव सब जीवो को नहीं। पहले 45 नंबर की गाथा, पांच रस गंध वर्ण नहीं माने पांच पुद्गलों की पर्याय नहीं, पांच पुद्गलों की पर्याय नहीं। एक चीज तो ये बताई, दूसरी बताई आत्मा में नर नारी, नर नारी माने स्त्री पुरुष पना आत्मा को है कि नहीं, स्त्री पुरुष पना भी आत्मा को ख्याल आया कि नहीं। फिर कहा संस्थान नहीं, सौनंद नहीं, साथी कर्षगंध वर्ण वाला तो नहीं, स्त्री पुरुष वाला भी, और दो चीज कही, जड़ की दो चीज, पुजगल की दो चीज, संस्थान नहीं और सौनंद नहीं, साथी ये सब पर्याय पुजगल। और मैं कौन सा तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चेतन तत्व, दोनों की जाति अलग अलग। अब गीता में पद्मधारी आचार्य देव थोड़ा और खुलासा किया इस पर, थोड़ा और गाथा में तो कुंकुल आचार्य देव इतना लिख गए, पर गीता में देखना, गीता में बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज दी है। गीता में कहा तीन जीव को खड़ा किया, एक इंद्रिय त्रस और केवली भगवान, फिर से कौन से तीन जीव, एक इंद्रिय त्रस और केवली, तीन चीज बताई, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। अब क्या बताया, एक इंद्रिय जो होते ना, एक इंद्रिय पहले तो कर्म चेतना माने क्या, कर्म चेतना रागादि भाव का कर्ता होना, रागादि भाव का होना उसका नाम है कर्म चेतना। बहुत गजब का खुलासा दिया है गुरुदेव जी ने इस गाथा में, प्रवचन जो गुरुदेव जी ने किए अद्भुत प्रवचन। कर्म चेतना माने रागादि भाव का कर्ता, कर्म फल चेतना माने रागादि भाव का भोक्ता, एक ने कर्ता लिया दूसरे ने भोक्ता, माने उसका जो फल आता है ना, रागादि भाव का जो फल, सुख दुख, जो दुख का वेदन, उसको कहेंगे कर्म फल चेतना। दो चीज, अज्ञानी को दो चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। यहाँ पे बताया राग का होना,
पांच इंद्रियों के विषय संबंधी जो राग हुआ, रसगुल्ला भोगने का खाने का राग हुआ, पैसे कमाने का राग हुआ, स्त्री को भोगने का हालांकि राग होना, वो तो हो गया कर्म चेतना। बाहर जाने का, अलग अलग क्षेत्र पर घूमने का राग हुआ, वो तो हो गया कर्म चेतना। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना माने क्या? राग होता होगा उसी समय जो परिणाम हुए ना, मजा आ गया, आनंद आ गया। हाला कि नहीं है आनंद? नहीं लगता है आनंद, लगता है सुख, पर सुख है नहीं, क्योंकि वो तो सुख का भास है। सच्चे सुख का स्वरूप पता नहीं ना, इसलिए लगता तो है पर है कि नहीं? है नहीं, इसलिए उसका नाम दे दिया सुख का भास। सुख जैसा अपन थके हुए होते ना घर से, कहाँ चले जाते थे थोड़े दिनों के लिए, क्या लगता है कहीं चले जाए हिल स्टेशन है ना, कश्मीर चले जाए, इंडिया घूम लिया, फिर कहाँ जाने का मन होता है? आउट ऑफ इंडिया, थोड़ा यूरोप तो देख ले, लंदन तो देख ले कैसा है। फिर वहां गए, फिर क्या हुआ बोलो? आठ दिन हो गए, दस दिन हो गए सीधी वाली, अब क्या याद आने लगा? अब क्या याद आने लगा बोलो? घर याद आने लगा ना? क्या होता है पता है? घर आते ही भिजांगी, ताला खोलते ही, घर में प्रवेश करते ही सबसे पहला शब्द क्या निकलता है मुंह में से? हाथ। तो फिर गए क्यों थे? घर ही आना था ना, ख्याल आ रहा है कि नहीं? ऐसा परिकर में कहीं शांति है ही नहीं। शांति का है निज घर में, है ना? निज घर में नहीं देखता है, नहीं जाता है, इसलिए परिघर में क्या लगता है? सुख लगता है पर है नहीं, ख्याल आ रहा है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे कहा ना, क्या कहा? क्या कहा? क्या क्या कौन कौन सी चीज कही? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। फल चेतना माने उसमें वो हर्ष शोक के परिणाम होंगे, सुख दुख के, आत्मा की शांति का भंग होना। गुरुदेव जी ने किसने लिया उसको? कर्म फल चेतना। अब सुनना, एक इंद्रिय जीव को पंचास इकाई में, एक इंद्रिय जीव को चेतना की मुख्यता से कौन सी चेतना कही? कर्म फल चेतना कही मुख्यता से। तो वहां पर प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? क्या प्रश्न किया इवेंट कि एक इंद्रिय को कर्म चेतना नहीं है, क्या खाली कर्म फल चेतना ही है? अनुभूति रंग प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न किया कि एक इंद्रियों को कर्म फल चेतना कर, तो क्या एक इंद्रियों को कर्म चेतना नहीं है? कर्म चेतना है कि नहीं है? पर उसको गौण कर दिया, गौण कर दिया। मुख्यता किसकी रखी? कर्म फल, क्योंकि बुद्धि इतनी हीन हो गई है, बुद्धि एक इंद्रिय में इतनी हीन हो गई है कि वहां पे मैं रागादी भाव को करूं, ऐसी बात है, बुद्धि काम नहीं करती, खाली भोग रही है बस दुख को। इसलिए मुख्यता से एक इंद्रिय में कौन सी चेतना बताई रिजन? कर्म फल से। अब ले लो त्रस पर्याय अज्ञानी को दो चेतना,
कर्म चेतना और कर्म फल चेतना और पंचायती काय में केवली भगवान को कौन सी चेतना कही? ज्ञान चेतना। तो आपका प्रश्न होगा कि तो फिर ज्ञानियों को कौन सी चेतना? ज्ञानी कहा गए? एक इंद्रिय ले लिए, अज्ञानी प्रत ले लिए, केवली ले लिए, तो ज्ञानी कोई है कि नहीं? चेतना ज्ञानी को ज्ञान प्रदान शैली से कहेंगे, ज्ञान प्रदान शैली से, तो ज्ञानी को तीनों चेतना। फिर से ज्ञानी को तीनों चेतना, पर दृष्टि प्रदान, दृष्टि प्रदान कथन करेंगे नियम सार समय सार ज्ञानी को शिलांगी। कौन सी चेतना कहेंगे ज्ञानी को? खाली एक ही चेतना, कौन सी? ध्यान। क्योंकि दृष्टि प्रदान ग्रंथ में तो श्रद्धा की कीमत है, श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान भी सम्यक हुआ, इसलिए ज्ञानी को कौन सी चेतना कही? ज्ञान चेतना। देखो दो दो बताओ, सबका द्रव्य स्वभाव तो, सबका द्रव्य स्वभाव तो ज्ञान चेतना मई, फिर वो निबोध का हो कोई भी हो, हम सबका स्वभाव कैसा? ज्ञान चेतना, ज्ञान वाला। हाँ? पर पर्याय ने किसको प्रकट प्रेम, पर्याय ने किसको? ज्ञानी को, कि जिसने ज्ञान चेतना का क्या किया है? अनुभव किया। इसे ज्ञानी को स्वभाव से तो ज्ञानी ज्ञान चेतना वाले, पर पर्याय ने भी ज्ञानी को ज्ञान चेतना प्रकट होगी। अज्ञानी को दो चेतना, कौन सी? कर्म चेतना और कर्म फल। ज्ञानी को मुख्यता से एक चेतना कही, कौन सी? ज्ञान चेतना। ज्ञान स्वभाव को ही भूल गए। आता है ना श्रीमद रामचंद्र जी में, जानियार नेक जानियो नहीं, क्या कहते थे? जानियार नेक जानियो नहीं, कहे कैसे ज्ञान, कहिए के वो ज्ञान, जाननार को ही ज्ञान किसका? ज्ञान जायक का। जानने कौन जानने में आ रहा है हर समय? जायक। और जायक को ही जाना नहीं, किसको जाना? पर को जानने में लगा है ना, पर को जाना, किसे वंचित रह गया? जायक से वंचित रह गया। आता है ना भक्ति में, आपा नहीं जाना तूने, कैसा जानदारी रे। आपा नहीं जाना, आपा माने अप्पा आता ना पूजा में, अप्पा माने माने आत्मा को ही नहीं जाना, कैसा ज्ञान, ज्ञान ज्ञान कहते नहीं उसको, उसको तो ज्ञान ही नहीं कहते, उसको तो कहा है समय जाना अनात्मा, आत्मा नहीं, जो ज्ञान आत्मा को नहीं जाने उसको कह दिया अनात्मा, माने सारे मिथ्या दृष्टि कहते अनात्मा और सारे सम्यक दृष्टि कहते आत्मा, क्योंकि ज्ञान में कौन आता है? आत्मा। हाँ रहा है कि आता है ना, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसने आदम राम, अरे आकाल सदी को पाल, सुलभ कैसे सुलभ सब को चिन्ह है अभिराम। सबको कहता है भगवान आत्मा, सुलभ के दुर्लभ, सबको सुलभ तो दुर्लभ क्यों? सुलभ तो दुर्लभ क्यों? हाँ, सुलभ इसलिए क्योंकि मेरे ज्ञान की पर्याय में हर समय मेरा भगवान आत्मा, जानने में तो दुर्लभ क्यों? क्योंकि जानता नहीं, लक्ष्य नहीं,
देखता नहीं इसलिए दुर्लभ। ख्याल आ रहा है कि नहीं? राधा भी भाव पर लगती है, पर तक की तरफ लगती है, पर में सब जी है इसलिए दुर्लभ। सुलभ है एक बार देखे तो क्या हो जाए। गुरुदेव कहते ना, दिशा बदलते दशा बदली बिना है भी नहीं। दिशा तो बदले एक बार, पर से नाता तोड़े और स्व से नाता, उसके बाद वाली जो गाथा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा, अलिंग्रहण की गाथा। कितने परमागम में है ये गाथा? पांचों परमागम में ये गाथा है। अलिंग्रहण समय चार में कौन से नंबर की गाथा? कौन सी? 49। प्रवचन काल में 172 और यहाँ 46 नंबर की गाथा। नियम पंचायत इकाई में 64। देखो ऐसा ही उल्टा ही है वो, है ना? यहाँ पे 46 तो पंचायत इकाई में 64 और अष्टपाहुर में 127। 127 प्रवचन काल में 172 और अष्टपाहुर में 120 और समय चार में 49। हाल आ रहे कि नहीं? और यहाँ पे 40 डबला में भी आई है, द्रव्य संग्रह में भी आएगा। माने गाथा कितनी महत्वपूर्ण है कि पांचों परमागमों में ये गाथा तुमको लाकर देंगे लिख रहा हूं। समय सार में पहले तो गाथा देखो। गाथा रस रूप गंधन व्याप्त नहीं शब्द कीर्तन गुणमय निर्दृष्ट नहीं संतान होता जीवलिंग ग्रहण नहीं। रस रूप गंध व्यक्त शब्द कितनी चीज थी? फिर से रस रूप गंध व्यक्त शब्द पांच हो गई, पांच की बराबर। समय सार की 49 गाथा में ये इतना, यहाँ पे जो सात बोल लिए ना अपन गिनेंगे सात, उसमें से समय सार में एक एक बोल के छह अर्थ किए। एक एक बोल के कितने? छह के अर्थ किए। अर्थ के, अरूप के, अगंध के, अव्यक्त के, आते ना अव्यक्त के छह बोल, सबके छह छह अर्थ किए। पर समय सार में अलिंगण का एक ही अर्थ किया। सुनना तो कुंडकुट आचार्य को लगा कि सबके तो छठे किए, अब अलिंगण का वहां पे एक ही अर्थ, तो फिर प्रवचन चार में 172 नंबर की गाथा में अलिंगण के 20 अर्थ किए। कितने अर्थ किए? उनको लगा कि अलिंगण के यहाँ अर्थ नहीं हुए तो प्रवचन चार में कितने अर्थ किए? 20 अर्थ किए। हालांकि समय काल में एक ही किया पर अलिंगण के अर्थ कितने किए प्रवचन काल में? 20 किए। ऐसे यहाँ पे भी देखो कैसे रस, अब पांच इंद्रिया पहले लो, पांच इंद्रिया पहला चालू किया रस से, उसके सामने एक एक लिखते जाना आत्मा कैसा और रस, इंद्री कौन सी रस, तो उसके सामने आत्मा कैसा और रस बराबर।
और रचना इंद्रिय, पर आत्मा में रचना इंद्रिय नहीं, इसे आत्मा कहता। दूसरा रूप, रूप रूप माने, रूप माने कौन सी इंद्रिया ली? नहीं, रूप में रूप माने रंग, तो रूप माने इंद्रिय कौन सी ली? चक्षु इंद्रिय। एक एक के सामने इंद्रिया ली, चक्षु इंद्रिय। रूप तो कुछ करके कर, तो आत्मा कैसा रूप के सामने? और रूप ख्याल आ रहा है कि नहीं? रस के सामने आत्मा कैसा बताया, रूप के सामने आत्मा कैसा? बराबर दो हो गए, दो। तीसरा क्या बताया? गंध। गंध कौन से इंद्रिय? ग्राण इंद्रिय। हाँ, तो उसके सामने आत्मा में ग्राण इंद्रिय नहीं, तो आत्मा कैसा? अगंध। अगंध तीन हो गए। चौथा, चौथा क्या किया था, क्या कहा? व्यक्त। व्यक्त माने गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर प्रवचन, व्यक्त का अर्थ ले लिया कौन सा इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय? स्पर्शेन इंद्रिय। व्यक्त में गई स्पर्शेन इंद्रिय, तो उसके सामने आत्मा कैसा? अव्यक्त। आत्मा कैसा? फिर से रक्त के सामने आत्मा कैसा? रूप के सामने आत्मा कैसा? गंध के सामने आत्मा कैसा? और व्यक्त के सामने आत्मा कैसा? हाँ, हो गई ना चार इंद्रिय। अब पांचवी, शब्द। बोलो शब्द किसकी पर्याय? भाषा वर्ग ना, माने पांच इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय गई? एक आती रही, कौन सी? शब्द है ना, सुनते है ना। हाँ, कौन सी इंद्रिय? कर्ण इंद्रिय। कर्ण खड़ा रहा कि नहीं? अब शब्द तो पुजगल की तैयार, पर आत्मा उसके सामने कैसा? करो उल्टा, आत्मा कैसा? अभी अशब्द। समझ में आ रहा है कि नहीं? अशब्द। कर्ण इंद्रियों का आत्मा में अभाव। गुरुदेव ने इतना बढ़िया तर्क दिया, देखो इसमें आत्मा कैसे पकड़ में आए। वहां पे कहा ना, जान अलिंद्र, माने आत्मा को कैसा जानो? इंद्रियों से रही, इंद्रियों से रही। आत्मा को पकड़ना है हमको, आत्मा को जानना है। हम सबका प्रयोजन क्या है? सबका, सबका कोई ऐसा कि जिसको आत्मा नहीं जानना हो? सबको जानना, पक्का लॉक किया जाए, पक्का सबको आत्मा जानना है। ये गाथा कहती है, क्या कहती है ये गाथा? आत्मा को दिखा देगी, इतनी बढ़िया गाथा। क्या कहा पहले तो? आत्मा को देखना ना, तो पहले कहा कि आत्मा में इन चीजों का अभाव है। किनका अभाव? फिर से, रस का, रूप का, गंध का, स्पर्श का और शब्द का, इनका अभाव। तो इनसे आत्मा जानने में आएगा कि नहीं? ख्याल आ रहा है? ख्याल आ रहा है? अपन आत्मा को जानने की कोशिश किससे कर रहे हैं? इन्हीं से कर रहे हैं। माध्यम किसको बना आत्मा को जानने का? पांच इंद्रिया। अब गुरुदेव ने जोरदार तर्क दे दिया, पांच इंद्रियों से तीन काल में आत्मा जानने में आएगा, क्योंकि तर्क दिया इंद्रियों का आत्मा में अभाव। क्या है, क्या तर्क दिया गुरुदेव जी ने? इंद्रियों का आत्मा में त्रिकाल अभाव, क्योंकि इंद्रिया जड़ और मैं चेतन। इसके पीछे पूरा टाइम, बोलो, पांच इंद्रियों के पीछे। शरीर सुंदर तो किसको सुंदर माना? शरीर कुरूप तो मैं कुरूप। रचना इंद्रिया, बोलो,
एक 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 विषय को भोगने की लोलुपता, ये भोग लू ये खा लू आता है ना पूजा में, कौन सी करिए इंद्रिय भोग मधुर लावण्यमयी पंच निकाय जर की पीड़ा है मैं अब तक जान नहीं पाया। जर पर झुक झुक जाते संग माधव की खाया, किससे झुक गया किससे मुर्छित हो गया जड़ पे, जो मेरा कभी हुआ ही नहीं है। उसके गुण तो देखो, उसको उसने क्या भरा है, पार राज गंध वर्ण उनसे भरा पड़ा। ये आया से कहा ना, क्या कहा, शब्द शब्द मैं अच्छा बोल सकता हूँ, भाषा बनना का क्या बन गया करता, शैली बहुत अच्छी है। बोला आत्मा में शैली है कि नहीं, आत्मा में शब्द है कि नहीं, आत्मा में भाषा बनना है कि नहीं, क्योंकि आत्मा शब्द के सामने आत्मा कैसा और शब्द हाला रख ले ना, मैं खा सकता हूँ। देखो आपको आपको लगेगा आत्मा आत्मा में रस नहीं, माने आत्मा थोड़ा फीका होगा कि नहीं, रस नहीं रस नहीं, रूप नहीं रूप नहीं, कुछ नहीं, क्या कैसा होगा, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो फीका ही होगा ना, फिर तो फीका फीका कैसा है, रस नहीं पर आत्मा तरस है, तरस है, रूप ये रूप नहीं, कुजगर का रूप नहीं, पर मेरे पास भी एक रूप है। कौन सा रूप, कोई बोल सकता है, मेरे पास एक रूप है, कौन सा रूप, चेतन रूप, उस रूप को भूल जाते हैं और रोज वो ड्रेसिंग टेबल के सामने कौन सा रूप देखते हैं, कौन सा हाला है कि नहीं, और फिर भगवान के सामने रोज जाते हैं क्या जाते हैं, आता है ना वो ऋषिकेश गंगा हो, जाना तो चाहिए था ड्रेसिंग टेबल के सामने, और जाते कहा है भगवान को सुनाते, ख्याल आ रहा है कि नहीं, उल्टा हो रहा है ना, गाना तो चाहिए था उधर और जाते है इधर, ख्याल आ रहा है कि नहीं, संगार ये संगार मेरा ही नहीं, निर्मल पर्याय ज्ञान चेतना वो मेरा संगार, किसके पीछे मुग्ध हो गया, किसके पीछे, जो कहते हैं ना कि यही शरीर को बोलो मरण हो जाएगा ना, वियोग वियोग फोन आ जाएंगे सबके, क्या फोन आएंगे बोलो, जिसके पीछे पूरा जीवन उन लोगों का ही फोन आएगा, और पहला क्या वाक्य पूछेंगे, कब निकालने वाले हो, हम उस टाइम पे आ जाएंगे। ये है द्वार की दिया, जो परिणाम किए हैं वो सहयोग नहीं भोगेंगे, किसको भोगना पड़ेगा, जिसकी स्थापना होगी ना तैयारी उसका ही चिंतन करेगा, देख लेना अज्ञानी ने अपनी स्थापना किसने की है, पर द्रव्यों में, अभी जो व्हाट्सएप का जमाना आ गया ना, किसने स्थापना कर दी व्हाट्सएप में, एक सेकेंड भी किसके बिना ना चले, मोबाइल के बिना, अभी जीएसटी आया ना, जीएसटी
अभी थोड़े थोड़े समय के पहले अभी तो थोड़ा शांत हो गया, पर जब वो नया नया आया था तो जिसको पूछो एक दूसरे को क्या पूछते थे? आपको ये भी लगा? हमको तो लगा, आपको लगा? एक दूसरे को क्या पूछते थे? यही चीज, जिसको जिसको सुने उनके मुंह पे एक ही चीज, कौन सी? जीएसटी। मुझे मोबाइल पे बहुत सारे व्हाट्सएप आए थे जीएसटी, बाहर का जीएसटी अलग, मोक्ष मार्ग में भी जीएसटी है। पता है मोक्ष मार्ग का जीएसटी क्या? मोक्ष मार्ग का जीएसटी जीएसटी, तीन अक्षर है ना, जीएसटी साका है। जी माने ज्ञान, जी माने नहीं गुणस्थान, नहीं गुणस्थान से तो पार, जी माने ज्ञान, एच माने एच, एच माने श्रद्धा, एच माने क्या? श्रद्धा। और टी माने खरना, खरना 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 हिंदी में हम लोग बुझे खरबू, फिर होना चारित्र लीनता। टी माने क्या? हाँ टी माने क्या? मिनर खरना चिंता, टी है ना टी टी। जी माने क्या कहा? जी माने एच माने टी माने ना। अब मुझे ये बताओ कि जीएसटी किसको लागू पड़ेगा, किसको लागू पड़ेगा? अब कौन पूछेगा एक दूसरे को आपको लागू पड़ता है कि नहीं? अब जीएसटी अनुमति बैन सबको लागू पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा कि नहीं? ख्याल आ रहा है कि नहीं? अद्भुत है कि नहीं? बोलो। ये अंदर का जीएसटी, वो बाहर का जीएसटी, ख्याल आ रहा है कि नहीं? उसमें भी ये जीएसटी लगाओगे ना तो अकुलता नहीं होगी, ख्याल आ रहा है कि नहीं? ये जीएसटी को भूल जाओगे तो वहां पे अकुलता हुए बिना रहेगी ही नहीं। और तीन चीज है इसमें, वो कल बताऊंगी, लास्ट डे है ना कल, है ना, टाइम हो गया है। इसमें और एक बताना था, एक पांच मिनट और है। देखो, और ये पांच इंद्रिया हो गई, पांच इंद्रिया। अब इसमें निर्दिष्ट, निर्दिष्ट माने क्या लिया? संस्थान, संस्थान के सामने क्या लिया? संस्थान के सामने असंस्थान। देखो पांच को इंद्रियों के बोलोगे, फिर संस्थान नहीं संस्थान, निर्दिष्ट नहीं संस्थान, माना आत्मा संस्थान वाला नहीं, तो आत्मा क्या था? असंस्थान। माने क्या हो गए? निर्दिष्ट का अर्थ हुई निर्दिष्ट नहीं, माने संस्थान वाला नहीं, माने असंस्थान। क्या हो गए? सातवा कहा, सातवा जीव लिंग ग्रहण नहीं, माने लिंग वाला आत्मा नहीं, तो आत्मा क्या था? अलिंग्रहण। तो सात हो गए, सात बोल लिख लेना, सात बोल आचार्य देव ने नाटकी से कहे, और एक बोल आचार्य देव ने अस्सी से कहा, और उसका नाम है चेतना गुण वाला। आत्मा सात वाला तो नहीं, पर आत्मा एक वाला है, कौन सा? चेतना गुण वाला। सात वाला नहीं, पांच इंद्रिया वाला नहीं, संस्कार नहीं, अलिंगण नहीं, पर एक वाला, कल्याण कल्याण एक वाला, कौन सा? चेतना गुण वाला। समझ में आ रहा है? सात नास्ती से और एक अस्थि से, सात नास्ती से और एक अस्थि से कहा। इसमें बहुत कुछ भरा है, माल बहुत है, एक स्वाध्याय में तो कुछ होने वाला
इसमें और दो पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको कल लेके, कल तो जो मेन इखलाफ जो है समय समय एक एक मेन जो गाथा लेनी है वो है 47 नंबर की गाथा, पर इसको थोड़ा सा भाव खोल के एक ज्ञान लक्षण वाला कहा ना, ज्ञान लक्षण वाला आत्मा, ज्ञान लक्षण वाला कहा क्योंकि आत्मा इंद्रियों से पकड़ में आने वाला, तो चेतना गुण कहा क्योंकि चेतना गुण आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा किससे पकड़ में आएगा, चेतना द्वारा, ज्ञान गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय क्या है बताए, जानना जानना, और जानना जानना आचार्य देव ने आत्मा का लक्षण बना दिया साधन। मुझे आत्मा को जानना है तो मैं कैसे जानूंगा, कौन से साधन द्वारा, जानने जानने के साधन द्वारा, वो साधन से साध्य पकड़ में, वो लक्षण से लक्ष्य तक, क्योंकि जहां जानना जानना है वही आत्मा है, और जहां आत्मा है वही जानना है, ऐसे लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो उसका अपन स्वरूप कल के स्वाध्याय में देखेंगे।